अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पर आपको मिलेंगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में बवक्त मिल सके। सो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन शामिल हैं और वो ऑर्गेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो यूरिनरी सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेन। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है इन चंद ऑर्गेन्स पर, जिसमें हमारी टू किडनीज शामिल हैं, टू यूरिटर्स शामिल हैं, वन यूरिनरी ब्लैडर शामिल है और वन यूरिथ्रा शामिल है। ये टोटल छः चीज़ें हैं जो के कंप्लीट फंक्शन करके हमारा यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम हो रहा होता है, किडनी जो है वो फिल्टर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो हमारी किडनी है वो ब्लड प्लाज्मा को फ़िल्टर कर रही होती हैं। आफ्टर द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद आगे प्रोसेस हम पढ़ेंगे क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पर डे के अंदर कितनी फिल्ट्रेशन प्लाज्मा की किडनी के अंदर हो रही होती है, तो फिल्ट्रेशन में लिखा हुआ है 180 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर 180 लीटर हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो हमारी किडनी से, दोनों किडनी मिलाकर जो है वो फ़िल्टर करती है, जिसमें से रीअब्सॉर्प्शन कितनी होती है 178 टू 179 लीटर्स पर डे रिटर्न टू द ब्लड। अब होता क्या है, हमारी किडनी से जब 180 लीटर ब्लड प्लाज्मा जो है वो किडनी से फ़िल्टर के लिए गुज़रा, तो उसमें से जो हमारे लिए यूज़लेस मटेरियल था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर था, बाकी सोडियम पोटेशियम और भी बहुत सारे केमिकल्स जो कि हमारे लिए यूज़लेस एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं, तो वो हमारी किडनी जो है वो फ़िल्टर कर देती है। तो 180 में से 178 टू 179 लीटर जो है वो रिटर्न हो जाता है दोबारा ब्लड के अंदर। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल कितना बचता है, 1 टू 2 लीटर पर डे। अब हमारा जो किडनी फंक्शन करती है वो 1 टू 2 लीटर जो है वो एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल जो है वो निकाल देती है। अगर हम बात करें यूरिन की कॉम्पोजिशन की, जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो याद रखिएगा 79% ऑलमोस्ट उसमें वाटर मौजूद होता है, 2% यूरिया मौजूद होता है, रिमेनिंग अदर जो 1 से 2% रहेगा उसके अंदर यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्सीलेट और सल्फेट। अब आगे आज हम कुछ टर्मिनल्स हैं जो कि हम मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मीन्स किडनी यानी नेफ्रोन्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी। याद रखिएगा जब भी मेडिकल के अंदर किडनी की बात की जाएगी तो किडनी को हम दो नामों से मेडिकल के अंदर पुकारते हैं, एक तो नेफ्रोन। अगर नेफ्रोन की बात करें तो जब भी हम किडनी से ही रिलेटेड बात कर रहे होंगे, और दूसरा है रीनल। अब ये दो नाम आपको जहाँ कहीं भी दिखें तो उसका मतलब वहाँ किडनी की बात हो रही है। नेफ्रोलॉजी क्या है, ये मेडिसिन की या मेडिकल की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किडनी के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और किडनी से रिलेटेड डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। यूरोलॉजी क्या है, यूरो मीन्स यूरिन, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरोलॉजी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं, और ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। जबकि पैथोलॉजी, पैथ मतलब डिजीज़, द स्टडी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकली रिमूव ऑर्गेन टिश्यू और सेल, बायोप्सी सैंपल और ब्लड फ्लूइड। पैथोलॉजी का मतलब डिजीज़ की स्टडी करना है। अब वो डिजीज़ की स्टडी हम किस तरीके से करना चाहें वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम बायोप्सी मतलब ब्लड के सैंपल्स के साथ उसकी डिजीज़ को डायग्नोस करें, ब्लड फ्लूइड से डिजीज़ को डायग्नोस करें, इसके अलावा या तो वो ऑर्गेन ही उसका जो है वो लेबॉरेटरी के अंदर टेस्ट के लिए भेज दिया जाए कि इसके अंदर इस ऑर्गेन से रिलेटेड क्या डिजीज़ है। अब आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर द विजिबल। अब एनाटॉमी से, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर
इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी आप दो कैटेगरी आती है, एक आती है ग्रॉस एनाटॉमी, एक आती है मैक्रो एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब वो एनाटॉमी जो कि हमें ज़ाहरी तौर पर आंखों से दिख रही है, जबकि मैक्रो एनाटॉमी के अंदर क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टिश्यू ऑर्गेन दैट कैन बी सीन बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। कि ऐसी एनाटॉमी जिसको हम नेकेड आई से ना देख पाएँ, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, तो उस एनाटॉमी को हम मैक्रो एनाटॉमी कहते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, अ फिजिशियन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी। ऐसा बंदा जो कि नेफ्रोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज कर ले तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या है, अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी। जो न्यूरोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर ले उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। पैथोलॉजिस्ट क्या है, अ पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ पैथोलॉजी एंड इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट और ड्रॉपिंग ऑफ अ किडनी। ऐसा इंसान जो कि पैथोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर ले उसको हम पैथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है, लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ऑफ किडनी फ्रॉम अ डोनर टू अ रिसेप्टर। याद रखिएगा कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमें एक बंदे की किडनी दूसरे बंदे के अंदर लगानी पड़ती है ऑपरेट के थ्रू, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांट का नाम देते हैं कि एक इंसान की किडनी जो है वो दूसरे के अंदर लगा दी जाए। नेफ्रोमिगैली क्या चीज़ है, नेफ्रोमिगैली का मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ किडनी, मतलब किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर किडनी का साइज़ अपने नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाए तो उसको हम नेफ्रोमिगैली के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी के, किडनी का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन क्या चीज़ें, कलर कैसा होता है, शेप कैसा है, लेंथ विड्थ थिकनेस कितना, वज़न होता है, लोकेशन क्या होती है, ये तमाम हम इंट्रोडक्शन में अभी बात करते हैं। कलर की अगर बात की जाए तो किडनी हमारी रेडिश कलर की होती है। शेप की अगर बात की जाए तो ये लाइक अ बीम शेप होती है। लेंथ की अगर बात की जाए तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ। थिकनेस की अगर बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। अगर हम इसके वज़न की या मास की बात करें तो 135 से लेके 150 ग्राम नॉर्मल इसका वेट होता है एडल्ट में। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो लिखा हुआ है बिटवीन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिन एंड पेरिटोनियम। हमारे एब्डोमिन के पोस्टीरियर वॉल के पास ये किडनी प्रेजेंट होती है। अगर हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू इसके लोकेशन पता करना चाहें तो लिखा हुआ है फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक लेवल वर्टिब्रा टू द लेवल ऑफ 3rd लिम्बर वर्टिब्रा। अगर आपको थोरेसिक और लिम्बर के बारे में नहीं पता तो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम, उसके अंदर आपको बोन्स के नाम भी याद हो जाएंगे तो ये पढ़ने में ईजी रहेगा आपके लिए। अब जैसा कि आप सबको पता है, हमने फर्स्ट में ही बात कर ली है कि हमारे पास दो किडनियाँ मौजूद हैं, दो यूरिनरी मौजूद हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है और एक यूरिथ्रा मौजूद है। ये तमाम छः की चीज़ें मिलके जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किडनी के एनाटॉमी की। लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ एनाटॉमी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनाटॉमी की दो किस्में होती हैं, एक होती है ग्रॉस एनाटॉमी जिसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं जो कि विजिबल हम नेकेड आई से देख सकते हैं, एक होती है मैक्रो एनाटॉमी जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, मतलब वो एनाटॉमी जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही स्टडी कर सकें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी की। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर लिखा हुआ है द विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि वो स्ट्रक्चर जो कि हमें ज़ाहरी तौर पर दिख रहा है। एक्सटर्नली रिनल हीलियम अ डिप वर्टिकल टिश्यूज सैचुरेटेड वेयर द यूरिटर रिनल ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिम्प वेसल्स एमर्जेस। रिनल हीलियम क्या चीज़ है, किडनी का वो पार्ट जहाँ पर यूरिटर रिनल ब्लड वेसल्स नर्व लिम्प। अगर हम लेयर्स की बात करें तो रिनल कैप्सूल फर्स्ट लेयर है, इनर डिप मतलब सबसे स्टार्टिंग की जो लेयर है वो रिनल कैप्सूल है, कंटिन्यू विद द आउटर क्वार्टर ऑफ यूरिटर जो कि कंटिन्यू होती है आउटर क्वार्टर ऑफ यूरिटर, यूरिटर के ऊपर जो लेयर होती है वो रिनल कैप्सूल कवर करती है, मेड अप ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है वो इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी। अब अगर हम बात करें सेकंड लेयर की तो सेकंड लेयर का नाम है रिनल फिशिया जो कि आउटर यानी सुपरफिशियल
ऊपर की जो रेल लेयर होती है उसे रेनल फिशिया के नाम से जानते हैं। कवर द एडिपोस कैडिपोस कैप्सूल क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मेड अप ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिशू, ये भी इररेगुलर कनेक्टिव टिशू की ही बनी होती है। अब एडिपोस कैप्सूल क्या चीज़ है, मिडल लेयर है सराउंडेड द रेनल कैप्सूल्स, रेनल कैप्सूल्स जो फर्स्ट लेयर है उससे उसके सराउंडेड होती है। मेड अप ऑफ मास ऑफ फैटी टिशू, ये फैटी टिशू से मिलकर बनी होती है। अगर हम इसको वैसे ही समझना चाहें तो एक दो ये तीन, तो ये जो अंदर की लेयर है ये कहलाएगी रीनल कैप्सूल, ये जो सेकंड वाली लेयर है ये कहलाएगी सॉरी एडिपोस कैप्सूल, जो सबसे ऊपर वाली यानी सुपरफिशियल लेयर है वो कहलाएगी रीनल फिशिया। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर दो रीजन आते हैं। सबसे पहले रीजन का नाम है रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड रीजन का नाम है रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर रीजन है, जबकि रीनल मेडुला जो है वो इनर रीजन है। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो लाइट रेडिश एरिया है, जबकि रीनल मेडुला जो है वो डार्क रेडिश एरिया है। जबकि रीनल कॉर्टेक्स को है हम रीनल कॉलम के नाम से जानते हैं और रीनल मेडुला को हम रीनल पैरामाइड्स के नाम से जानते हैं। रीनल कॉलम जो है वो बिटवीन द रीनल पैरामाइड्स, जो रीनल पैरामाइड्स हैं इनके बिटवीन यानी इनके बीच लिखा हुआ है पार्ट ऑफ पैरामाइड। अब पैरामाइड के कितने हिस्से होते हैं, लिखा हुआ है देयर आर टू पार्ट ऑफ रीनल पैरामाइड यानी के मेडुला, दैट इज बेस एंड एपेक्स। अब बेस और एपेक्स ये कौन से पार्ट को कहते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बेस में लिखा है वाइट फॉल्स द रीनल कॉर्टेक्स, अपेक्स में लिखा हुआ है न्यूरो यानी पार्ट कॉल्ड पैपिला। ये हम सारी की सारी चीज़ें अभी आगे पिक्चर्स के थ्रू भी कवर करने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर हम वैसे ही बात करना चाहें तो रीनल पैरामाइड कुछ इस तरीके का शेप होता है। जो ये ऊपर का एरिया है ये कहलाता है बेस, जबकि जो नीचे का एरिया है ये कहलाता है एपेक्स। अब रीनल पैपिला क्या चीज़ है, द न्यूरो एंड ऑफ ईच रीनल पैरामाइड आर कॉल्ड रीनल पैपिला। अब जितने भी पैरामाइड्स हैं इनका जो एंड है वो एंड ये वाला एंड, ये एक एंड तो एपेक्स कहला रहा है, इसके बाद जहाँ से ये अटैच है वो कहलाता है रीनल पैपिला। पैपिलरी डक के अंदर लिखा हुआ है ये कलेक्टिंग डक होती है। अब अगर हम इसके लूप की बात करें तो रीनल लूप के अंदर लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ द एरिया ऑफ रीनल पैरामाइड्स रीनल कॉर्टेक्स एंड हाफ ऑफ द एडजेसेंट पार्ट ऑफ रीनल कॉलम। रीनल लूप जो है वो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पैरामाइड से मिलकर बनती हैं। अब बात करते हैं रीनल पैरेन्काइमा क्या चीज़ है। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला फ्रॉम द रीनल पैरेन्काइमा, जो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला है वो मिलकर रीनल पैरेन्काइमा बनाती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल पोर्शन ऑफ किडनी, ये फंक्शनल पोर्शन होता है एक किडनी का। अब आगे लिखा हुआ है रीनल साइनस व्हेन रीनल हीलियम एक्सपेंड इनटू कैविटी दैट कैविटी इज कॉल्ड रीनल साइनस। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं रीनल हीलियम क्या चीज़ है, तो जब रीनल हीलियम एक्सपेंड होती है आगे कैविटी में जाने के लिए या कैविटी बनने के लिए तो उसे हम रीनल साइनस कहते हैं। अब उसके बाद आता है माइनर कैलेसिस मेजर कैलेसिस और रीनल पेल्विस। अगर हम इसको उल्टा पढ़ना चाहें तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। सबसे पहले हमारे पास नंबर वन पे रीनल पेल्विक्स, उसके बाद वो डिवाइड रीनल पेल्विक्स डिवाइड होते हैं मेजर कैलेसिस में, मेजर कैलेसिस डिवाइड होते हैं हमारे पास माइनर कैलेसिस में। रीनल पेल्विक्स जो है अ सिंगल लेयर ऑफ कैविटी, ये एक सिंगल लेयर की कैविटी होती है। जब ये कैविटी आगे डिवाइड होती है तो वो मेजर कैलेसिस कहलाता है। ये सिंगल कैविटी जो है वो आगे दो से तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब ये दो से तीन हिस्से फर्दर डिवाइड होते हैं 8 से 18 हिस्सों के अंदर जो कि माइनर कैलेसिस कहलाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी की, तो किडनी कुछ इस तरीके से दिख रही होती है। ये जो पार्ट है ये है हमारा यूरेटर,
अब यूरिटर जो है वो किडनी से जाहिर सी बात है अटैच होगा, तो ये यूरिटर जब आगे किडनी से अटैच होता है तो वो किडनी का पार्ट होता है रीनल पेल्विक्स। रीनल पेल्विक्स ये कंप्लीट पार्ट है। अब ये कंप्लीट एक पार्ट यहाँ पर ऐसे यहाँ से लेके ये कंप्लीट एक जा रहा है। अब रीनल पेल्विक्स जो है वो फर्दर हमने पढ़ा है मेजर कैलेसिस में डिवाइड होगा, तो ये रीनल पेल्विक्स जो है ये फर्दर एक दो और ये तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया। अब ये तीन हिस्से बाकी फर्दर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तकरीबन आठ या इससे ज़्यादा हिस्सों में ये डिवाइड हो जाते हैं। एक बार दोबारा इसके रिवीजन करते हैं। ये है हमारा यूरिटर जो कि रीनल पेल्विक्स से अटैच होता है। रीनल पेल्विक्स सिंगल कैविटी है हमारी, जबकि सिंगल कैविटी फर्दर जब डिवाइड होती है उसको मेजर कैलेसिस के नाम से जानते हैं। मेजर कैलेसिस जब ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगी उसे हम माइनर कैलेसिस के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे हम इसके नाम पढ़ भी लेते हैं। ये पार्ट रीनल पेल्विक्स लिखा हुआ है। ये दो ये जो आगे फर्दर डिवीजन हो रही है इसको हम मेजर कैलेसिस कह रहे हैं। बाकी ये जो फर्दर डिवीजन है ये कॉर्नर की इसको हम माइनर कैलेसिस कह रहे हैं। जबकि हमने बात करी है कॉर्टेक्स और मेडुला की, तो किडनी का ये जो ऊपर का ये पार्ट है ये कॉर्टेक्स कहलाता है जिसको हम रीनल कॉलम भी कहते हैं। जबकि किडनी का ये हिस्सा ये कहलाता है रीनल मेडुला जिसको हम रीनल पैरामाइड्स भी कहते हैं। पैरामाइड्स की हमने दो किस्में भी पढ़ी थी या दो हिस्से पढ़े थे, बेस और एपेक्स। जो ये ऊपर का ये पार्ट है, अगर आपको सही दिख रहा हो, ऊपर का जो ये पार्ट है ये कहलाता है बेस। अगर हम इसके नीचे की बात करें इस पार्ट की तो ये कहलाता है एपेक्स जिसको हम रीनल पैपिला भी कहते हैं। अब इसके अंदर फर्दर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो रेड कलर की आपको चीज़ दिख रही है ये है हमारी आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि फ़िल्टर के लिए हमारी किडनी के अंदर आ रहा है। वही जो ब्लू कलर की आपको वेन दिख रही है ये है हमारी रीनल वेन। अब हमारी ग्रॉस एनाटॉमी ख़त्म हो चुकी है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो एनाटॉमी। माइक्रो एनाटॉमी मैंने पहले ही बता दी, वो एनाटॉमी जिसको हम नेकेड आई से नहीं स्टडी कर पाएँ उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़े। रिकवर टू डिस्कस द डीपली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी लाइक टिश्यू फंक्शन एक्सेट्रा। अब किडनी के टिश्यूज के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो एनाटॉमी का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रही होती है, तो उसका नाम है नेफ्रॉन। लिखा हुआ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन। हमारी एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये हम माइक्रो एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ नेफ्रॉन के अंदर लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, दैट इज़ क्रिटिकल नेफ्रॉन एंड जुस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को फर्दर डिवाइड कर दिया दो हिस्सों के अंदर, क्रिटिकल नेफ्रॉन और जुस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्रिटिकल नेफ्रॉन क्या है, लाइ विद इन द रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, बाहर का हिस्सा, किडनी की बाहर का हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो वहाँ जो भी नेफ्रॉन मौजूद होंगे उसे हम क्रिटिकल नेफ्रॉन के नाम से जानेंगे, जो कि 80-85% नेफ्रॉन्स हमारे रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। जुस्टा मेडुलरी की बात करें तो लाई विद द रीनल मेडुला, जो रीनल मेडुला है इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारी किडनी का है वहाँ पर जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं उसे हम जुस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि 20-15% होते हैं या 15-20% होते हैं। आगे अगर बात की जाए नेफ्रॉन के पार्ट्स की तो लिखा हुआ है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूबल। जो हमारा नेफ्रॉन है उसके दो हिस्से हैं, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूबल। रीनल कैप्सूल कौन सा हिस्सा है, इन दिस पार्ट ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर। रीनल कैप्सूल हमारे नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होता है।
देयर आर टू पार्ट ऑफ रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। नंबर वन जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर लिखा हुआ है अ कैपिलरी नेटवर्क। ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक कैपिलरी नेटवर्क का काम करता है, जबकि ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है वो अ डबल वॉल्ड एपिथेलियल कप। थ्रू दिस ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस को हम ब्रोमेन कैप्सूल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा होता है, जो कि एपिथेलियल की डबल वॉल से बनी होती है। आगे बात करते हैं रीनल ट्यूबल की। रीनल ट्यूबल के अंदर लिखा हुआ है थ्रू दिस पार्ट फिल्टर फिल्यूट इज पास्ट। देयर आर थ्री पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबल, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब रीनल ट्यूबल है क्या चीज़? रीनल ट्यूबल वो पार्ट है जहाँ पर हमारा ब्लड प्लाज्मा रीनल कैप्सूल से फिल्टर होने के बाद पहुँचता है फर्दर रीअब्सॉर्प्शन के लिए। अब रीनल ट्यूबल को जो है वो फर्दर डिवाइड कर दिया गया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर। अब इन तीनों के क्या क्या फंक्शन है वो हमारे पास, जैसे कि हमने पीछे पढ़े रीनल ट्यूबल के तीन पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्या चीज़ है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूबल हमें पता है स्टार्ट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जो कि स्टार्ट हो रही है ग्लोमेरुलर कैप्सूल से। इसको भी हम आगे पिक्चर्स के थ्रू जो है वो स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लूप ऑफ हेनल के अंदर क्या लिखा हुआ है? अ हेयर पिन टर्न और यू शेप ट्यूबल, देयर आर टू पार्ट। अब लूप ऑफ हेनल जो है वो यू शेप की बनी होती है, जिसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनल, असेंडिंग लिम्ब यानी सेकेंड पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर क्या हो रहा होता है? यह है लास्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबल, स्टार्ट फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब, इस ये असेंडिंग लिम्ब से स्टार्ट होता है एंड मीट विद द कलेक्टिंग टक। उसके बाद ये कलेक्टिंग टक से जाके, हमने पढ़ा है रीनल ट्यूबल जो है उसके तीन हिस्से हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। उससे पहले हमने पढ़ा था रीनल कैप्सूल जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जहाँ पर जो है ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा होता है। अब ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होने के बाद आगे जहाँ ट्रैवल करता है वो है रीनल ट्यूबल। अब रीनल ट्यूबल जो है वो फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो कि डायरेक्ट अटैच होता है ग्लोमेरुलस से। उसके बाद है लूप ऑफ हेनल, जो कि डायरेक्ट अटैच होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से। लूप ऑफ हेनल के हमने दो पार्ट पढ़े, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इसे कहा जाता है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आने को कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जब ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ से लूप ऑफ हेनल स्टार्ट हो जाएगा और इसे हम नाम देंगे डिसेंडिंग लिम्ब का। जब ये यू शेप के अंदर टर्न होने के बाद दोबारा ये ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी तो इस पार्ट को हम नाम देंगे असेंडिंग लिम्ब का। असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे असेंडिंग लिम्ब का। अभी असेंडिंग लिम्ब अटैच हो जाएगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वो अटैच हो जाएगा हमारे कनेक्टिंग डक से। अब इसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन किन किन चीज़ों की होगी? कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो ब्लड प्लाज्मा ही फिल्टर होगा। उसके बाद जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोरीन वाटर पोटेशियम अमोनियम हाइड्रोजन ग्लूकोज इन फर्दर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, क्लोरीन और सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। असेंडिंग लिम्ब के अंदर भी क्लोरीन और सोडियम वगैरह ही रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन वाटर अमोनिया और भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रही होती हैं। उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो पहुँच जाता है कलेक्टिंग डक के पास। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
चलते हैं आगे। अब अगर हम बात करें रीनल फिजियोलॉजी, रीनल मतलब किडनी की फिजियोलॉजी, मतलब फंक्शंस ऑफ किडनी, तो किडनी के बेतहाशा फंक्शंस हैं, चंद को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयन कंपोजिशन, ब्लड के अंदर आयंस के कंपोजिशन को रेगुलेट रखता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखता है, ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट रखता है, ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन रखता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, किडनी के अंदर वाटर की और कुछ सॉल्यूट की जो है वो रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्म हो रहा होता है, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की सिक्रेशन हो रही होती है, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉरेजन सब्सटेंस। वेस्ट प्रोडक्ट और फॉरेजन सब्सटेंस वो तमाम सब्सटेंस जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमारे लिए यूजलेस हैं, बेकार हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको एक्सक्रीट करता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। हेल्पिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ब्लड का पीएच रेगुलेट रखने के लिए हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रखने में हेल्प करता है। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, हमारे आरबीसीस, अगर आपने आरबीसीस की प्रोडक्शन नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है ब्लड का, जिसके अंदर आप WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जान सकते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स वगैरह या वाइट ब्लड सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारी किडनी है वो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के अंदर भी हमारी हेल्प कर रही होती है। अब हम एनाटॉमी ऑफ किडनी पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रॉस और मैक्रो एनाटॉमी, उसको हम चार्ट बना के एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ताकि वो हम एनाटॉमी ऑफ किडनी पढ़ चुके हैं, ग्रॉस और मैक्रो एनाटॉमी उसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ताकि उनके नाम जो हैं वो आपके जहनों में बैठ जाएं। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमने लेयर्स पढ़ी है, रीनल कैप्सूल, रीनल फिशिया और एडिपोज कैप्सूल। रीनल कैप्सूल इनर लेयर थी, रीनल फिशिया आउटर लेयर थी, एडिपोज कैप्सूल मिडिल लेयर थी। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़े थे दो रीजन, रीनल कॉर्टेक्स जिसको हम रीनल कॉलम भी कह रहे थे, रीनल मेडुला जिसको हम रीनल पैरामाइड भी कह रहे थे। रीनल पैरामाइड को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, बेस और एपेक्स। बेस आउटर पार्ट था, जबकि जो कोन जो एंड का पार्ट था उसका वो एपेक्स कहला रहा था। एपेक्स जो है वो रीनल पैपिला से अटैच होता है, रीनल पैपिला पैपिलरी डक से अटैच होता है, पैपिलरी डक रीनल लूप से अटैच होता है, रीनल लूप रीनल पैलेनकाइमा से अटैच होता है, रीनल पैलेनकाइमा जो है वो रीनल साइनस से अटैच होता है, रीनल साइनस जो है वो माइनर कैलेसिस से अटैच होता है, माइनर कैलेसिस जो है वो मेजर कैलेसिस में आगे बढ़ते हैं, और मेजर कैलेसिस जो है वो एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम रीनल पेल्विक्स के नाम से जानते हैं। ये हम पिक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें माइक्रो एनाटॉमी की, माइक्रो एनाटॉमी के अंदर हमने बात करी है नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन के टाइप्स की, दो टाइप्स, क्रिटिकल नेफ्रॉन और जुस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूबल। रीनल कैप्सूल को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जबकि रीनल ट्यूबल को हमने तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हिनल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। लूप ऑफ हिनल को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया था, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और इसके अंदर किन किन चीज़ों की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमने किडनी की तो बात कर ली, उसके बाद हमारे पास आते हैं एनाटॉमी ऑफ यूरिटर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास दो किडनी और दो यूरिटर होते हैं। डेफिनेशन में इसके लिखा हुआ है टू ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विक्स ऑफ द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर अबाउट 25-30 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रास्ता दरकार होता है उस रास्ते का नाम यूरिटर है। दोनों किडनी से एक एक यूरिटर पास हो रहे होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर की जानिब, जिसमें से यूरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। लेयर की अगर बात की जाए कि यूरिटर की कितनी लेयर्स होती हैं, लिखा हुआ है देयर आर थ्री लेयर्स विच सराउंडेड द यूरिटर। यूरिटर की तीन लेयर्स होती हैं, पहला नाम है मिकोसा जो कि इनर लेयर होगी, मैस्कुलरिस जो कि मिडिल लेयर है, एडवेंटिशिया जो कि आउटर लेयर यानी बाहर की लेयर है।
अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है होलो मस्कुलर ऑर्गेन, ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गेन है। व्हेन एम्प्टी इट कोलैप्स, जब ये खाली होता है तो ये आपस में चिपका हुआ होता है। व्हेन स्लाइटली फिल्स विथ यूरिन इट अपीयर एज स्फेरिकल, अगर इसमें थोड़ा सा यूरिन मौजूद होगा या थोड़े से यूरिन से फिल हो जाए तो ये एज ए स्फेरिकल शेप के अंदर हमें दिख रहा होता है। व्हेन कम्प्लीटली ऑस्कुलेटेड विथ यूरिन इट अपीयर एज अ पियर शेप, अगर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली यूरिन से फिल हो जाए तो वो हमें पियर शेप का दिख रहा होता है। अगर इसकी लेयर की बात की जाए तो इसकी लेयर भी सेम यूरिटर के लेयर की जैसी है। मिकोसा इनर लेयर, मैस्कुलरिस मिडल लेयर और एडवेंटिशिया आउटर लेयर यानी बाहर की लेयर। कैपेसिटी की अगर बात की जाए कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक वक्त में कितना यूरिन स्टोर रख सकता है मैक्सिमम, तो 700 टू 800 ml ऑफ यूरिन कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की यूरिन स्टोर रखने की। अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ यूरिन, इसका सिंपल काम है यूरिन को स्टोर रखना। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा की। डेफिनेशन में लिखा हुआ टर्मिनल पोर्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का ये टर्मिनल पोर्शन है। अ पाथवे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा हमारी बॉडी के अंदर वो हिस्सा है जहाँ से हमारा यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। लेंथ की अगर बात की जाए तो मेल के अंदर 20 सेंटीमीटर टू 8 इंच ऑलमोस्ट पाया जाता है, वेरिएशन इसमें हो सकती है, जबकि फीमेल के अंदर जो है वो 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच यूरिथ्रा मौजूद होता है। लेयर की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ दो ही लेयर मौजूद होती है, मिकोसा यानी इनर लेयर, मैस्कुलरिस यानी आउटर लेयर। फंक्शन की अगर बात की जाए तो एक्ट एज अ पैसेज वे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन सिंपल है कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, इसका सिंपल सा फंक्शन है कि यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना और उस यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। अगर मेल के यूरिथ्रा की बात की जाए तो वो तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और स्पंजी यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्या चीज़ है? पासेस थ्रो प्रोस्टेट ग्लैंड। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा क्या चीज़ है? आफ्टर प्रोस्टेट यूरिथ्रा पार्ट। स्पंजी यूरिथ्रा क्या चीज़ है? पासेस थ्रो द पीनस। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। यूरिनरी सिस्टम को हमने डिटेल के अंदर डिफाइन कर दिया। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन से टॉपिक पर हो। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।